तो नहीं पता चल है छोटे छोटे बिल्कुल। देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, इसने बच्चे निकाले हुए हैं। मैं उस्मैया खान, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उस्मैया खान फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो को जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखें, आबाद रखें, हंसते मुस्कुराते रखें। और जो रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको और भी रोज़े रखने की तौफीक दें। और जो रोज़े नहीं रख रहे, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दें। जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शफा दें। जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको बे औलाद दें। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर किया करें, ताकि हमारा हर आने वाली वीडियो ना आप तक पहुँचते रहें। तो हमारे साथ में फेसबुक पेज भी है, उनको भी फॉलो किया करें। तो आज हम आपको अपना घर दिखाते हैं सादा सा, तो फिर हम घर आपको दिखाते हैं अपना घर। तो अच्छा जी, आज हम आपको अपना घर दिखाएंगे सादा सा। हमारे घर के चार कमरे हैं, दो कच्चे हैं, दो पक्के हैं, दो ईंटों के बने हुए हैं, दो मट्टी के। तो पहले हम मट्टी के कमरे दिखाएंगे हम आपको। तो चलिए हम आपको पहले कच्चे कमरे दिखाते हैं जो हमारे मट्टी के बने हुए हैं। मट्टी के अपने कमरे दिखाते हैं। चलिए पहले हम आपको अपना किचन दिखाएंगे। ये हमारा किचन देख सकते हैं आप। ये हमारे बिस्तर हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी मुर्गी, देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, इसने बच्चे निकाले हुए हैं। देखो अपने बच्चों को ढूंढ रही है। वहाँ हमारा सिलेंडर पड़ा आया है। ये चूल्हा है, इधर से धुआं निकलता है, बाहर नहीं इतना फैलता। फिर सर्दी पर बहुत मज़ा करता है। ये आटे का ड्रम पड़ा हुआ है, ये जाली है, इसमें हम हर चीज़ रखते हैं, अंदर पड़ी भी हैं। देखो ये हमारा थाल है आटे वाला, और ये सब्जी की रोकियाँ हैं, यहाँ हम हर चीज़ रखते हैं, पत्ती, चीनी वगैरह हर चीज़। तो इधर भी एक मुर्गी पड़ी है, अभी इसके नीचे अंडे पड़े हुए हैं, बच्चे नहीं निकाले। हमारा किचन है, तो हम आपको दूसरा फिर दिखाते हैं। तो ये हमारा दूसरा कच्चा कमरा, बिल्कुल छोटा सा, यहाँ दो चरपाइयाँ भी पड़ी होती हैं। यहाँ मेरी सासु माँ और देवर सोते हैं। तो ये है गंदम का डोल, जब हम गंदम खरीदते हैं ना आपने अपने ही है, फिर इसमें डालते हैं, अभी तो ये खाली खड़ा है। तो ये है शमसी प्लेट, ये बच्चों के बैग खड़े हुए हैं, ये किताबें, और ये जास का सामान, बर्तन है पहले ज़माने के, अभी भी हम इस्तेमाल करते हैं। देखो हर चीज़ पड़ी हुई है। पंखे भी दो लगे हुए हैं, एक शमसी वाला, एक बिजली वाला। वहाँ मच्छरदानियाँ भी खड़ी हुई हैं, देखें। तो ये है मच्छरदानियाँ, तीन चार खड़ी हुई हैं, जब गर्मियों में मच्छर काटता है ना, तो फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये है हुक्का, हमारी सासू माँ का, अभी तो वो रोज़े रख रही है, दिन को नहीं पीती, तो रात को जब रोज़ा इफ्तार करती है तो फिर पीती है। उसके जास के बर्तन देखो। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, हम आपको और कुछ चीज़ें भी दिखाते हैं। यह हमारा तप्पल, सर्दियों में हम रोटी बनाते हैं, और ये है हमारी तंदूरी, जो हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं तंदूरी, इसमें रोटी बनाते हैं, कभी मैं और कभी कोई, बहुत मज़े करती है रोटी तंदूरी वाली। यह हमारी लकड़ियाँ, गैस नहीं इस्तेमाल करते। तो हम आज तो हम फिर आप नलका दिखाते हैं। यह हमारे नलके का माहौल देखें आप, साथ में मोटर भी लगी हुई है, मैंने कपड़े धोने के लिए रखे हुए हैं। यह नलका है, ये वाशिंग मशीन है, ये ख़राब खड़ी हुई है, ये लाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं आती कि इस्तेमाल करें। एक मिनट में पानी पी लूँ, मुझे तो प्यास लगी है, मुझे तो रोज़ा नहीं है।
बाहर का माहौल भी आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा बाइक है जापान, ये मुर्गे, ये और ये अलग अलग हैं, ये भी लड़ जाते हैं। ये देखें छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं कौन कौन सी नस्ल है, मुझे तो नहीं पता चला। ये छोटे छोटे बिल्कुल, ये देखो इनको छोड़ ना दे। तो ये हैं हमारे दो पक्के कमरे, ये मेरे देवर का कमरा है। चलिए दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है गांव का। पेटियाँ, ट्रंक, सोफे, हर चीज़ पड़ी है। बच्चा भी उसका सो रहा है, देखो सलवार नहीं पहनी इसने, ऐसे ही बेचारा सो गया। पंखा खड़ा है तो खराब, निकाला हुआ है, इसको ठीक कराएंगे हम। सोफे, सिंगल मेज पड़ी हुए हैं, बेड देख सकते हैं आप, बच्चों के लिए कपड़े और बैग पड़े हुए हैं। यहाँ इसमें भी बर्तन हम रखते हैं, काफ़ी सारे बर्तन इसमें भी हैं। ये देखो ट्रंक और पंखा, शमसी वाला देखो चल रहा है। यहाँ बिजली होती नहीं है, जो बिजली का चलाए उसके भी बर्तन खड़े हुए हैं, हर चीज़। तो फिर हम आपको अपना कमरा दिखाते हैं। तो ये है हमारा कमरा, रिम्बो का कमरा। देखिए पढ़ने के लिए मुसल्ला, ये हैंगर, हैंगर अलमारी तो नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पे रख देते हैं कपड़े इस्त्री वाले। मैंने सारे एग्जाम इस्त्री किए थे, बिजली के नहीं आते ना इसलिए। तो ये हमारे बर्तन, इतनी ज़्यादा तो नहीं है, काफ़ी है बस। तो मेरी बच्ची सो रही है, ये देखो यहाँ भी दो चरपैयाँ हैं, एक चरपैया बाद में डालते हैं। तो ये पेटी है, हम इसमें, ये हमारी पेटी है, इसमें हम कपड़े रखते हैं। ये बॉक्स, इसमें में हम बच्चों के लिए कपड़े रखते हैं। और ये ट्रंक, फर्नीचर तो हम अभी नहीं ला सकते, इसमें गुंजाइश नहीं है फर्नीचर लेने की, इसलिए हमने चरपैयाँ डाली हुई हैं और इंशाल्लाह ले लेंगे बहुत जल्द। तो बाकी चीज़ें भी इसमें रख देते हैं। रिजा क्या कर रही हो, चीज़ें खा रही हो, उसको सुला दिया आपने बच्ची? और बच्चे हमारे स्कूल को छुट्टी आए ना, तो खेलने गए हैं, अब आएंगे फिर उनको रोटी दूंगी, रोटी बनानी है। उम्मीद है कि आपको हमारा घर पसंद आया होगा, इंशाल्लाह पसंद आएगा भी। और हम आप में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर किया करें, ताकि हमारा हर आने वाली वीडियो है ना आप तक पहुँचती रहे। और साथ में हमारा फेसबुक पेज भी है, उनको भी फॉलो किया करें। आपकी सपोर्ट होगी तो हमने इंशाल्लाह हम आगे तक जा सकेंगे। तो हमेशा फेसबुक हर चीज़ को शेयर किया करें।